एक सिनेमा लेंस और एक ऑटो फोकस लेंस के बीच में मेजर क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों लेंस में से हमें कौन से लेंस को लेना चाहिए अपने प्रोडक्शन पर्पज के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ देखो मेन सिनेमा लेंस क्या करते हैं सिनेमा लेंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये जो लेंसेज है ना ये काफ़ी सॉफ्ट वो लेस शार्प इमेजेस बनाते हैं जो कि सिनेमेटिक और वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल नजर आती है इसके साथ साथ में जो ये फ्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं अगेन स्लाइड और जो इनका ओवरऑल कलर्स आते हैं ना वो कंपेयर टू एनी अदर ऑटो फोकस फोटोग्राफी लेंस इन ना बहुत अलग होते हैं तो अगर आप अपने वीडियो प्रोडक्शन में कभी फोटोग्राफी लेंसेज को यूज़ करते हैं लाइक दिस ऑर्डो फोकस सॉर्ट ऑफ लेंस तो वो लेंसेज ना थोड़ा ज़्यादा शार्प इमेजेस बनाएंगे शार्पनेस ज़्यादा होगी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत अलग होते हैं इन फोटोग्राफी लेंसेज के कंपेयर टू दिस सिनेमा लेंसेज तो ये जो लेंस है ये विल्ट्रॉक्स का जो है वो एनामार्फिक लेंस है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ सिनेमा लेंसेज में आपको दो टाइप के लेंस मिलते हैं एक जो है वो आपका एनामॉर्फिक होता है एक एस्फेरिकल होता है एस्फेरिकल आपके नॉर्मल फोकल लेंथ होती है जो कि आपको नॉर्मल फील्ड ऑफ व्यू देती है जैसे 35, 50 और इस टाइप की फोको